हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है न्यू ब्लॉग में। तभी हो चुकी है सुबह, नहाना धाना मेरा हो चुका है, सारा काम मैं कर ली हूँ। इसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं हो पाता है आपसे मिलने का, तो मैं सारा काम करने के बाद मिल रही हूँ आपसे। तो इधर देखिए, मेरा पूजा पाठ हो गया है, मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। लोग नहाना धोना हो चुका है, तो आप लोग दूर से ही दर्शन कर लीजिए भगवान जी का। भगवान दिन की शुरुआत भगवान जी से ही करना चाहिए, तो मैं आप लोग को दर्शन करा दे रही हूँ। और देखिए इधर बच्चे लोग उदमासी बहुत कर रहे हैं, इन लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लोग बैठाए हैं होमवर्क वगैरह से बनाने के लिए। इन लोग का एग्जाम अब शुरुआत होने वाला है, तो इन लोग का एग्जाम अब चल रहा है। तो यहाँ देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये गिनी अभी बना रही है होमवर्क। बेटा आप नीचे काहे नहीं बिछाए कवर को? बेटा पैसे नहीं रखते हैं किताब कॉपी? क्या मिला है होमवर्क में आपको? अब भैया कहाँ गया? देखिए मोनू अभी राइटिंग लिख रहा था, अब भाग गया लिख कर। ये कहाँ से लिख रहा था? ये किताब कॉपी कहाँ है इसका? हिंदी का लिख रहा था। कहाँ गया वो? आप नीचे कवर बिठाए बिछाइए, इसके बाद आप पढ़िए ठीक। नहीं इतनी पत्ते गंदा बात ऐसे नहीं बोलते करते हैं बेटा। नीचे कुछ कवर बिछा कर बेट, ऐसी किताब कॉपी नहीं रखते हैं ठीक। ओके बाय हाँ बाय। चलो ठीक। अरे कैसे सब बिखरा कर रख दिए हैं, पूरा रिमोट वगैरह सब सब फेंक दिए हैं। चलिए देखती हूँ मोनू कहाँ गया। मैं नाश्ता पानी वगैरह सब कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि जोड़ों की लगी है भूख और सारा काम हो चुका है। बहुत काम हो जाता है गाइस घर में, बता नहीं सकती हूँ। वो इसको क्यों बना रही है? देखिए हम मोनू की इतना इसको गर्मी लग रहा है, गंजी पे घूमे चल रहा है। कहाँ गए थे बेटा आप? चलिए होमवर्क बनाइए फटाफट। मेरा होमवर्क बन गया। बन गया? कैसा राइटिंग लिखा हूँ? देखिए राइटिंग लेके वो भाग चुका था ये। अरे मैं तो उल्टा दिखा रहा हूँ, देखिए ये रहा मेरा राइटिंग। ये भी उल्टा है। मैं तो कैसे दिखाऊँ? चलिए चलिए चलिए, आप लोग काम करिए अपना अपना, इसके बाद मैं नाश्ता कर लेती हूँ, बहुत जोर से भूख लगी मेरा है। बहुत तो दोस्तों आप अच्छा लोग भी आ है जाइए मेरे साथ नाश्ता करने के राइटिंग। लिए। आ जाइए सबको इनवाइट है। देखिए खुशी मना रहे हैं, इनवाइट घर पे है। संदेश संदेश संडे और मंडे संदेश मेरे मंदिर से वो है एग्जाम पीरियोडिक टेस्ट। तो चलिए अभी मेहनत करना है और सब याद वगैरह सब करके आप लोग रहिए कंप्लीट करिए मुझे ठीक। इतना पता है ना कि मेरे 90 से नीचे किसी में मार्क्स में नहीं आएगा। चलिए 90 चलिए, से ट्वेंटी नीचे ट्वेंटी का भी हो रहा है आपका एग्जाम। हाँ पता है, पर टोटल मिला के 100 मार्क्स का होगा ना, हाँ, इसलिए होगा। 90 से ऊपर आएगा मेरा पक्का। क्यों ऐसा क्यों बोलना है? 100 क्यों नहीं लाना है? 90 सुपर ही क्यों लाना है? अच्छा आ जाएगा। चलिए जाइए लिखिए, आप सबमिट करिए। बाय। देखिए हम लोग बहुत खुश हैं, खुशी कारण क्या है तो आप लोग को हम लोग जरूर बताएंगे और दिखाएंगे भी। तो हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत क्या मैं बोलूँ, मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ कि थोड़ा इनके पापा को जो अभी हाँ सौर शिक्षा अभियान में जो काम करते हैं, जो इलेक्शन वगैरह ये सब था, तो उस टाइम जो इन लोग बहुत सारा काम किए हैं और इलेक्शन खत्म होने के बाद इन्हें सम्मानित किया गया था। हाँ दोस्तों, इलेक्शन के बाद दोस्तों गिनती शुरू हो गया था। बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश भी हैं। तो मैं आपको उसका एक फोटो भी आपको दिखाऊंगी, मैं किस तरह से इनको ऑफिस में सम्मानित किया गया था। मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि बहुत खुशी की बात है। तो मैं खुशी में अपने पेट में रख नहीं सकती थी, बाहर निकाल के मैं आप लोग को दिखा सकूंगी, मैंने बोल सकती थी कि मैंने ये सब किया, मैं इतनी खुश क्यों हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, ज्यादा देर नहीं करते हैं, बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। क्योंकि इतनी खुश क्यों हूँ दोस्तों आपको पहले से पता चल जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और इनको एक बार नहीं कई बार सम्मानित किया गया है, तो मैं चलते हैं सोचते हैं, मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाती हूँ, आप लोग को बताती भी हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं। तो आप लोग जितने भी यूट्यूब फैमिली होंगे सब थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आप लोग सोचिएगा कि वो चीज़ क्या है जिसकी वजह से बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और हाँ। आप लोग कमेंट में लिख कर मुझे शेयर करिएगा कि आप लोग सबसे पहले क्या सोच रहे हैं, कि मैंने क्या दिखाऊंगी आपको, क्या किसके चलते मैं खुश हूँ, किस बारे में खुश हूँ, क्या मुझे कुछ मिला है वैसा, इसके बारे में खुश हूँ। आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर हमें शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए मैं देर नहीं करती हूँ, आपको दिखाती हूँ जल्दी जल्दी। और वो रहा ये थैला में, थैला
थैला में दोस्तों। मम्मी पीछे से दिखाइए। चलिए निकाल रही है आराम बेटा। रुकिए दोस्त, आराम से आराम से। ये रहा दोस्तों मेरे पापा का, ये देखिए, ये देखिए मेरे पापा को मिला था दोस्तों। तो मैं आपको पास दिखा देती हूँ, आप लोग एक बार कैसा है आप लोग ध्यान से बार पढ़ लीजिएगा, देख भी लीजिएगा। चुनाव का पर्व जो हम लोग बहुत दिनों से हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो उसका देखिए। कुछ मत करिए बेटा, ये रहा, आप छोड़िए ना, कुछ दीजिए। यहाँ देखिए, ये रहा सर्टिफिकेट, और देखिए यहाँ पे इसका, देखिए यहाँ पे रहा भारत निर्वाचन आयोग। यहाँ देखिए ये सब, यहाँ पे मेरे पापा का नाम लिखा है, रवि भूषण प्रजापति नाम लिखा हुआ है। यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर एसएसए लोहरदगा है, और इन रिकॉग्निशन ऑफ पावर डॉन डायरेक्टिंग लोकसभा इलेक्शन, देखिए यहाँ पे 2024 का है। देखिए यहाँ पर जो सम्मानित किए गए हैं उनका भी नाम यहाँ पे लिखा गया है, जो सम्मानित दिए हैं, और देखिए तारीख क्या है। तो मैं उस टाइम अपने घर पे थी, तो उस टाइम इस वीडियो नहीं दिखा पाई, तो मुझे पता चला बाद में कि मुझे मिला है, उनको मिला है, तो मेरे हस्बैंड हमसे शेयर किए। इसके बाद में आप लोग सोचे मैं आप लोग को भी दिखाना तो बनता है। दोस्तों मुझे, मैं देखकर बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत। तो मुझे अब मैं उसका फोटो भी आपको शेयर करूँगी जहाँ सम्मानित किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ आप लोग पढ़ लिए होंगे, अब मैं इससे ज्यादा क्या ही बोलूं आप लोग को, आप लोग देख लिए हैं खुद ही। काम करते हैं ऑफिस में, उन्हें इसे सम्मानित करके, जितने जितने अच्छे से काम किए हैं सबके, उन लोग दिन रात जो का मेहनत करके ये सब काम किए हैं, और लोकसभा चुनाव का, और जो अपना अच्छा प्रदर्शन दिए हैं उन सबको यहाँ पर ये सब सर्टिफिकेट मिला है। तो मैंने सोचा मेरा मकसद यही था आप लोग को बताना, दिखाना और समझाना कि देखिए हम लोग क्या मिला है। और ये सब देख के कौन नहीं खुश होगा दोस्तों, कि मैंने सबसे ज़्यादा तो पत्नी को ही खुशी मिलती है कि हस्बैंड को सम्मानित किया जा रहा है, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें को भी लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए गाइस कितना सारा पानी गिर रहा है इधर, देखिए यहाँ पे, यहाँ खिड़की तक पहुँच चुका है, बहुत बारिश हो रही है, बहुत दिनों बाद यहाँ लोहरदगा में बारिश शुरू हुई है। देखिए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाने जा रही हूँ, देखिए कितने खिड़की के अंदर पहुँच चुकी है। देखिए फिलहाल मैं इसे भी बंद कर देती हूँ कि बहुत बारिश हो रही है, अब आज जाके मौसम बहुत ठंडा किया है। तो चलिए मैं बाहर का पूरा नज़ारा दिखाती हूँ। बारिश यहाँ तक आ पहुँची है, देखिए सीढ़ी से ऊपर से भी देखिए वेंटिलेटर से आ रही है, अब बहुत जोरों की बारिश हुई है इस वर्ष। फिलहाल अभी बोल रही हूँ, अभी देखिए कितने ज़्यादा पानी गिरी रही है यहाँ पर। देखिए मैं खिड़की को दिखा रही हूँ, गेट को, बाप रे बहुत जाम हो गया है गेट, इन्हें रहा है, देखिए देखिए गाइस, और देखिए किस तरह से पानी बहुत नदी की तरफ बह रहा है। देखिए आप लोग हर तरफ इसी वर्षा हो रही है, नहीं हो रही है मैं कमेंट में सुनने का जरूर बताइएगा। देखिए सारा पानी, देखिए वहाँ पे जो अंदर से नदी बनाया हुआ है उसमें सारा पानी जा रहा है, देखिए देखिए इधर गिनी एंजॉय कर रही है, देखिए कितनी बारिश। आज जाकर मन खुश हुआ है कि आज बारिश हुई है, क्योंकि बहुत दिनों से गर्मी बहुत सबका हालत खराब करके रखा था, गर्मी बहुत यहाँ पर थी, कल से हम लोग पूरा राहत मिला है। अभी जाकर मौसम ठंडा पर हुआ है, हम लोग ठंडा जैसा हल्का कुछ लग रहा है। ये देखिए बहुत एंजॉय कर रही है, और गरज के साथ मल्लक के भी इधर हो रहा है। भागो भागो भीग जाओगी, अच्छा लगता है। देखिए पूरा मोहल्ला में, देखिए यहाँ से वहाँ तक, देखिए क्योंकि सुबह से ही
पूरा एकदम बादल किया हुआ था और देखिए आज जाके पानी गिरा। एक सप्ताह से कहीं मंडरा रहे थे बादल और आज जाके बारिश हो गई है। गिनी बहुत इंजॉय कर रही है, बोल रही मम्मा जा रही हूँ नहाने के लिए। ऑलरेडी सुबह नहा के सो गई थी, फिर भी देखिए अभी यार बोल रही है नहाने जा रही हूँ। जैसे ही इन लोग स्कूल से आए वैसी बारिश शुरू हो गई, तो इन लोग बहुत दिक्कत हो जाता है अभी, क्योंकि पानी गिरने के साथ साथ हवा भी चल रही है। देखिए हवाएं भी चल रही है, देखिए आपको देख के अंदाजा लगाया जा रहा होगा। इधर पेड़ देखिए कैसे खेल रहे हैं, इधर चलो चलो गिरी इधर आओ मुझे सबको होती है, तो मैंने सोचा आप लोग दिखा देती हूँ। देखिए बहुत भागो, देखिए बहुत मस्ती लग रहा है, पानी में खेल रही है इधर। तो किनके किनके एरिया में पानी बहुत गिर रही है मेरे को मुझे लेकर जरूर बताइएगा। बहुत चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी हम लोग का अभी जो लोहरदगा है वहाँ पे हम लोग अभी राहत है बारिश से। देखिए लाइन वगैरह ऐसा सब कटा हुआ है, हम लोग इमरजेंसी लाइट जला कर अभी रूम में है, सारे खिड़की दरवाजा हम लोग सब बंद कर दिए हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट से लेकर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मैं मिलती हूँ नी भरोसा, तब तक के लिए टेक केयर। गिनी बाय बाय।